अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये करंट ब्लॉक है पूरा, हमारी डिजाइन है बढ़िया, काम जो है बचा हुआ है काफी, और ये तो मूवमेंट का एरिया भी नहीं है हमारा जी सर, इसमें काम के लिए हमारे बाहर से जो प्लास्टर जो प्रयास तो फिर भी कर रहा हूँ मैं अक्टूबर का आप ज़्यादा हम कह रहे हो क्या समझाएं आप, तो आपने बेसिकली अपने काम को डिवाइड मॉड्यूलर भी करा होगा सर, तो आपके 100 जो लोग लगे ये कितनी टीम से लगे सर, मतलब मेन जो हमारा प्लास्टिक होता है उसमें इतने ज़्यादा लोग लगे बाकी जी, तो कितने घंटे काम करते हैं सर? 2 घंटे में करना है, 2 घंटे लग गए 10 से सुबह 8 क्यों क्या रखा आपने समय से मांगे? बात यही करिए कि 50 लेबर या ऐसी भर्ती है, तो हमको उम्मीद है कि ये हमारा नवंबर से पहले ठीक से क्या, चूंकि कुछ वार्ड पर अपने इंस्ट्रक्शन दिए और उसके अलावा नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया, जो टाइम बॉन्ड था सर उस टाइम बॉन्ड में शायद बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, उसको लेकर आपकी नाराजगी भी देखने को मिली है। 2-3 पॉइंट्स थे आज के निरीक्षण के। सबसे पहले ये देखा है कि जो हमारा AMC वार्ड है उसके नीचे के जो 2 रूम्स हैं वहाँ पर जो छत है वो बकल हो रही है, उसमें कुछ सरिये बाहर आ गए हैं, तो वहाँ कुछ सेफ्टी कंसर्न है, तो इसके लिए इंदौर से भी आज एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, आज शाम को वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसके ऊपर क्योंकि हैवी मूवमेंट का एरिया है, थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करने की आवश्यकता है, वहाँ पर जो हैवी मूवमेंट का एरिया है जहाँ पर छत डैमेज हुई है उसके ऊपर से शिफ्ट करके वहाँ पर जो लो मूवमेंट के जो वार्ड होते हैं उनको वहाँ पर किया जाए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा सबसे टॉयलेट्स हैं जहाँ पर लीकेज है सर, उस टॉयलेट को भी टेम्परेरी रूप से बंद करने के लिए दूसरी जगह पर टॉयलेट बनाने की आवश्यकता है। तीसरा जो हमारा अभी 100 बेड का नया हॉस्पिटल बन रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है हॉस्पिटल के बगल में, उसका यहाँ विजिट किया गया है। हालांकि यहाँ पर लेबर आज की तारीख में पर्याप्त मात्रा में पाई गई है, लगभग 100 लेबर यहाँ पर लगी गई है, जो किसी पैमाने में अच्छी लेबर मानी जाएगी, तब भी हमने इनको 50 लेबर और इंक्रीज करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं ताकि जल्द से जल्द काम हमारा पूरा हो। सर समय को लेकर भी आपने इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि नवंबर का समय दिया था उसके अलावा लेटर 30 नवंबर का समय अभी बोला है, हालांकि हमें ये कहा है कि 50 लेबर लगाइए और प्रयास कीजिए इस समय को और रिड्यूस करें। सर वर्तमान में की जो बिल्डिंग है अभी वर्तमान में उसमें पूर्व में निरीक्षण में भी यही कमियां पाई गई थी लीकेज की, जो अभी भी बनी हुई है,
हाँ, जैसा कि बताया कि पूर्व में भी एक बार इसका इंस्ट्रक्शन हुआ था, तब भी इस प्रकार की कमियां पाई गई थी। तो जैसा कि अभी हमारी नई बिल्डिंग बनी रही है तो आने वाले टाइम में सहूलियत होगी, बट अभी ताकि कुछ टेम्प्रेरी राहत मिल सके और कोई हादसा ना हो सके, उसी के लिए इस प्रकार के टेम्प्रेरी चेंजेस हमने करवा रहे हैं। सर, NQS को लेकर भी आपने कुछ पैरामीटर्स बताए, उसमें निरीक्षण के लिए NQS के लिए कुछ एक पैरामीटर्स सेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए ड्यूटी रूम्स होने चाहिए, वो NQS के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। वो वर्तमान में भी डिज़ाइन में नहीं है, तो आर्किटेक्ट को कह के डिज़ाइन में हल्के से चेंजेस करने की बात यहाँ पर की है, ताकि NQS के बाद में हमको किसी प्रकार की टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ना क्रिएट करने पड़े, पहले ही हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर रहे हमारे पास।